मटन चाप कोलकाता की एक बहुत ही फेमस डिश है। इसे आप अक्सर कोलकाता में शादियों के मेन्यू में और रेस्टोरेंट वगैरह में इसे आप पाएंगे। खाने में ये बहुत ही लाजवाब होती है और कुकिंग का प्रोसेस इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं लेकर के आई हूँ एकदम ऑथेंटिक और ओरिजिनल वे ऑफ मटन चाप बनाने का प्रोसेस लेकर के। कोलकाता का फेमस रेस्टोरेंट अरसलान का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, तो उसी होटल की सीक्रेट रेसिपी मटन चाप की मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। बेल आइकन को प्लीज़ हिट कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके, और वीडियो के एंड में किचन टिप्स है इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। तो मटन चाप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 केजी मटन, इसे मैंने वॉश कर लिया है। जब भी आपको मटन चाप बनाना हो तो आप मटन शॉप में चाप का पीस मांगिएगा, तो वो बोनलेस पीसेस होते हैं फ्रेंड्स, और बोलने से उन आपको वो दे देंगे चाप का पारचा। तो मेरे पास यहाँ पे वो नहीं था, मेरे पास ये मटन के जनरल पीसेस थे और मटन चाप बनाने का मेरा बड़ा ही मन था, तो मैंने ये जनरल पीसेस से ही मटन चाप बना लिया है। ये छोटे छोटे पीसेस हैं जैसे मटन के होते हैं, तो उसे मैंने वॉश कर करके ड्राई कर लिया है। बट एक्चुअल में मटन चाप बोनलेस पीसेस का ही बनता है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। मैंने लिया है दही 1 कप, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, और बेसन लिया है मैंने 1/2 कप, 1 टेबल स्पून मैंने नारियल पाउडर लिया है और 1 लेमन का जूस लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने अनियन लिए हैं 4 पीस जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो खरबूजा का बीज लिया है मैंने 1 बड़ा चम्मच, 10 से 12 काजू के पीसेस लिए हैं मैंने, और 1 बड़ा चम्मच मैंने पोस्तों का दाना लिया है। इन सारी चीज़ों को मिला के हमें एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पे हम मैरिनेशन देख लेते हैं मटन का। तो मटन में मैंने सबसे पहले ऐड किया है बेसन, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलर ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं बट ये डलता है मटन चाप में। यहाँ पे 2-2 चम्मच हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेना है, 2 चम्मच जिंजर का पेस्ट और 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट ऐड किया मैंने यहाँ पे, 1 चम्मच मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, ये तीखा लाल मिर्च है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तीखापन इसमें रख सकती हैं, चाहें तो आप ज़्यादा भी लाल मिर्च ऐड कर सकती हैं। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पे मैंने ऐड किया है नींबू का जूस, 1 नींबू का जूस डाला है मैंने यहाँ पे, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगी। अब मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसी में मैंने अनियन को भी पीस लिया है, तो मैं इसको इन सबको इसमें ऐड कर रही हूँ। पेस्ट को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे दही ऐड किया है फ्रेंड्स, ये देखिए, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह मटन में मिक्स कर लेना है। एक एक पीसेस में अच्छी तरह से सारे मसाले ऐड हो जाए, और मैं यहाँ पे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, इसे मैं पहले ऐड करना भूल गई थी तो मैंने इसे अब ऐड कर लिया है और अच्छी तरह मिक्स भी कर लिया है, और इसे मैंने एक लिड से कवर करके ओवरनाइट रखना है मैरिनेट करके। अगर आपके पास टाइम कम है और
आप ओवरनाइट नहीं रख सकती हैं मैरिनेशन के लिए। तो जब आप ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना रही होंगी तो उसी में कुछ कच्चा पपीता आप 4-5 पीस उसमें छिलके के साथ पीस लीजिए। इससे आपका कुकिंग का प्रोसेस थोड़ा फास्टर हो जाएगा। और अगर आप कच्चा पपीता भी नहीं डालना चाहती हैं तो फिर आप इसे प्रेशर कुकर में ही कुक करिए तो जल्दी कुक हो जाएगा। मैंने देखिए इसे ओवरनाइट रख लिया था और ये जब मैंने सुबह में निकाला तो ये इस तरह से दिख रहा था। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई गर्म कर ली है और उसमें मैंने 1 कप तेल मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे, और उसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद मैं अब इसमें मैरिनेटेड मटन ऐड कर रही हूँ। सारे मटन के पीसेस को हमें इसमें डाल लेना है तेल में। और ये देखिए मैंने सारा मटन ऐड कर लिया है और इसे अच्छी तरह से मैं ऊपर से नीचे चला रही हूँ। अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करने जा रही हूँ जो कि है बिरयानी मसाला। ये मैंने 2 चम्मच डाला है और ये डालने से मटन चाप का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शान बिरयानी मसाला ऐड किया है। फ्रेंड्स आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ऐड कर सकती हैं। और इसे ढक करके हमें कुछ हाफ आवर के लिए कुक करना है। ये देखिए हाफ आवर के बाद मैंने इसमें से लिड को रिमूव किया और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है मटन। और सिर्फ बीच में मैंने एक बार इसे खोल करके चलाया था। आप अपने मटन की क्वालिटी के हिसाब से इसे कुक करेंगे। अगर इसमें और टाइम चाहिए रहेगा तो थोड़ी देर और आप इसे कुक कर सकती हैं। और इस पॉइंट पे मैं यहाँ 1 चम्मच केड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ और इसके डालते ही इसकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है फ्रेंड्स। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कितना ही इजी है ये ऑथेंटिक मटन चाप बनाना। तो प्लीज़ आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करिए और फटाफट बनाइए अपने घर में ये मटन चाप और खिलाइए अपने सारे अजीज़ों को और फिर बटोरिए खूब सारी तारीफें। आपके अपने जब आपकी तारीफ करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ये आप लोग सब जानती ही होंगी। तो एक बार फिर से मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। आज का किचन टिप्स है, अगर मटर, गाजर या बीन्स को बॉयल करते वक्त उसमें चुटकी भर चीनी ऐड कर लीजिए तो फिर उसका कलर बहुत ज़्यादा ही खिल कर के आता है। एक बार ट्राई करिए और फिर देखिए कैसा लगता है मेरा ये किचन टिप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।